सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज पर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। एक प्रश्न ये है कि हम दोनों तरह के लोग देख रहे हैं, वो लोग जो अपने काम धंधे फैक्ट्री व्यापार पूरी तरह बंद करके अपने घरों के भीतर हैं और हर निर्देश का पालन कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे में बार बार ये चिंता होती है कि इस युद्ध को कैसे जीता जाएगा। वरुण, सारे देश में एकात्मता का भावना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति भी नियम का पालन नहीं कर रहा, इसका मतलब वो इस देश से जुड़ा ही नहीं है। अपने देश की मिट्टी के साथ, उसकी अस्मिता के साथ, उसकी विपत्ति के साथ जुड़ना, ये तो हर देशवासी का कर्तव्य बनता है। अगर हमारी जड़ें यहाँ हैं, अगर हमारा मन यहाँ है, तो फिर हम ऐसा दुराचरण कैसे कर सकते हैं। मैं इसको दुराचरण कह रही हूँ गौरव, ये सचमुच दुष्कर्म है कि जब सारा देश एक लयबद्धता में, एक दिशा, एक मति और गति के साथ वो बह रहा है, तब चंद लोग अपना ये ड्रामा क्यों दिखा रहे हैं। वो बता रहे हैं अपने इरादों को, जो गंदे इरादे हैं उसको अपने कर्मों से व्यक्त कर रहे हैं। और मैं तो वर्षों से ये बात कहती रही हूँ गौरव, कि इस देश के साथ सबके, देशवासियों का कर्तव्य है राष्ट्र के हित को सर्वोपरि मानना। वही हमारा धर्म है, वही हमारी बंदगी है, वही हमारी पूजा है। और आज देश कह रहा है कि तुम तभी आगे बढ़ोगे जब तुम रुकोगे, तो उस आज्ञा का पालन करना, ये तो हमारी सारी सब लोगों की जिम्मेदारी है। ये जिस तरह के कुछ विघ्न संतोषी लोग हैं, उनकी वजह से अभी ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रतिबंध है ये और लंबे चलेंगे, नहीं तो हम जल्दी इस बीमारी पर जीत जाते जी। लेकिन चंद लोगों की जो मजहबी जुनून है, उनकी जो जिद है, उसने पूरे देश को इस संकट में लाकर खड़ा कर दिया। ये उचित नहीं है और अभी भी समझना चाहिए, सोचना चाहिए और देश की मुख्य धारा के साथ एक मेक होकर, जैसे दूध के साथ मीठा मिल जाता है, उस तरह का आचरण सबसे उसकी अपेक्षा है इस देश को। मैं सोचती हूँ कि यही होना चाहिए। और जो चंद लोग हैं वो अंधेरा पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं तो ये सोचती हूँ गौरव कि विश्व चाहे जितना मर्जी इस देश में डालने का प्रयत्न हो, पर देश की बहुत बड़ी विराट सत्ता और शक्ति अमृत अपने पास रखे बैठी है। ये देश वो है कि जहां अगर मीरा के पास भी विषैले नाग भेजे गए ना, तो उन्होंने अपनी भक्ति की शक्ति से उनको भी पुष्पों में परिवर्तित कर लिया। ये देश नीलकंठ बनकर जीना जानता है, लेकिन जिस तरह का चंद लोगों के द्वारा विष रोपा जा रहा है, ये उचित नहीं है, ये अच्छा व्यवहार नहीं है जी। दीदी, मैं बेहद विनम्रता से मैं अपना अगला सवाल करूं। मेरा नाम वरुण है, लेकिन एक प्रश्न मैं इसमें आगे आपसे जोड़ना चाहता हूं कि कुछ लोग जो बार बार ये पूछते हैं कि थाली बजाने से क्या होगा, दिया जलाने से क्या होगा, इसका महत्व कैसे समझाएंगे आप? देखिए, थाली बजाना, दिया जलाना, रोशनी करना, गीत गुनगुनाना, ये वो हताशा से भरे हुए हृदयों में एक आशा का दीप जलाना है। और दीप तो तमस से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं गौरव। और थालियां और तालियां तो इसीलिए बजी कि वो लोग भी तो हैं जो मृत्यु के सामने डटे हैं, वो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, वो हमारे देश की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था के करने के लिए संलग्न हैं। उनको हमने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और देश के प्रधानमंत्री जी ने इतनी मायूसी के माहौल में इतना बड़ा उत्सव पैदा कर दिया, ये तो स्वागत योग्य बात है ना। और ये पूरे देश के अंदर एकजुटता का जो उस दिन 9 मिनट तक प्रदर्शन हुआ है, उसका दर्शन हम सबने किया है। और सचमुच जब सारी दुनिया कोरोना के भय से जगमगा रही है, तब भारत कोरोना से लड़ने के लिए जगमगा रहा है। ये कितना शुभ है, कितना सुंदर है, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं अपितु मन की प्रसन्नता भी जरूरी है। और जितने भी हम दीपों के और गीतों के नजदीक होंगे, उतना ही हमारा मन उत्साह से भरेगा और हम इस बीमारी से मुक्ति पाएंगे। दीदी मां, जो लोग जो हम देख पा रहे हैं, क्योंकि देखिए, जब सुपर पावर देश है, जो संपन्न देश है, वो लाचार बेबस नजर आ रहे हैं, ऐसे में भारत में लोगों में चिंता है कि हम कैसे लड़ पाएंगे। अभी भारत की स्थिति आप कैसे देख रही हैं इस युद्ध में?
देखिए अभी अभी तो मैं समझती हूँ कि अगर ये तबलीगियों वाला तमाशा ना हुआ होता तो हम लोग काफी अच्छी स्थिति में थे, और अभी भी ऐसी कोई बात नहीं है। सारे लोग सन्नद्ध रहें और धैर्य रखें। मुझे लगता है कि तप और त्याग ये सबसे बड़ी बात है, और भारतीयों को तो तितिक्षा करनी आती है गौरव। हम लोग 9 दिन नवरात्रों के व्रत रखते हैं, हम लोग जो है हर महीने कोई ना कोई साधना, कोई ना कोई उपासना करते हैं, और मन को आकलन करने का, टटोलने का ये अच्छा हमें मौका मिला है। मैं सोचती हूँ कि बड़े बड़े लोग भी आज प्रकृति के सामने घुटने टेक रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि आपका बड़ापन बड़े होने से नहीं है गौरव। बड़ा होना बड़ी बात नहीं है, बढ़िया होना बड़ी बात है। भले ही हम बड़े देशों में नहीं गिने जाते, पर हम बढ़िया अपने को सिद्ध कर सकते हैं अपने पे कंट्रोल करके। इसलिए कोई हॉस्पिटल, कोई वेंटिलेटर, कोई दवाइयां, उसकी प्रतीक्षा हमने क्यों करनी है। हमें त्याग करना है, तप करना है, अपने घरों के भीतर रहना है, अपने ऊपर कंट्रोल करना है, और हम जीत जाएंगे, हम जीतेंगे गौरव। ये भारत का आंगन लाशों का आंगन नहीं बनेगा। यहाँ जिंदगी गुनगुनाएगी, यहाँ जीवन मुस्कुराएगा, और ये भारतवासियों ने तय करना है। इसलिए कोई डंडा लेकर हम पे शासन क्यों करे, हम स्व अनुशासित हों और ऐसा अवसर दें कि प्रकृति दोबारा जो है उत्फुल्ल हो। मैं तो गौरव दूसरी बात भी कह रही हूँ, अब आप देख रहे हो ना, सड़कों पे हिरन आ गए हैं, गलियों में मोर नाच रहे हैं, आप छत पर बैठकर आसमान के तारे गिन सकते हैं, आप जलंधर में बैठ के हिमालय की बर्फीली चोटियों का दर्शन कर सकते हैं। मछलियां उत्फुल्ल हो गई, आनंदित हो गई। एक आदमी ने सबका जीना हराम कर रखा है, और जब आदमी कैद में हुआ तो सारी प्रकृति खुलकर नृत्य कर रही है, हमें दर्शन दे रही है, हमें दृष्टि दे रही है कि संभल जाओ, तुम ही जीने के लिए नहीं हो, हम भी हैं, हमारा भी अस्तित्व है। दूसरी बात यह है गौरव, भारत ने दुनिया को बताना है। दुनिया कहती है जियो और जीने दो, हमें कहना चाहिए कि पहले जीने दो फिर जियो। इसलिए प्रकृति के साथ सहधर्म का प्रशिक्षण हमें जितना ऋषियों ने दिया उसको हमें आचरण में उतारने की जरूरत है, और इस अमृत को पूरी दुनिया में बांटने की भी जरूरत है। मिसाइलों के साए में जीने वाली दुनिया अगर प्रार्थना के जगत में हो तो दुनिया कितनी खूबसूरत होगी। अगर प्रतिस्पर्धा ना हो गौरव तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो गई। आज हम लोग अपने घरों में बैठे हैं, सब जी रहे हैं ना, सारी महत्वाकांक्षाएं शांत हो गई है ना। अब ना कोई गहने पहने जा रहे हैं, क्योंकि गहने और सिल्की कपड़े तो प्रदर्शन के लिए पहने जाते हैं, तो अब प्रदर्शन नहीं करना, आत्मदर्शन करना है, और सारी दुनिया को ये मार्ग बताना है। हम जीतेंगे, हम ही जीत सकते हैं, क्योंकि हमें जीतना आता है, ये मन पर कंट्रोल करके हम जीतेंगे। ये जो आपने दर्शन की बात की दीदी माँ, अब जब लोग घरों में हैं तो इसमें योग, आध्यात्म, दर्शन की क्या भूमिका हो सकती है ऐसे संकट काल में अपने आप को संवारने के लिए? अपने आप से पहचान होनी चाहिए, योग तो है युक्त होना, और हम अपनों के लिए जीने का दावा करते हैं गौरव, उनके लिए पैसा कमा के लाते हैं, उनके लिए खिलौने लाते हैं, उनके लिए दुनिया भर की अपने बच्चों के लिए बातें करते हैं, लेकिन वो सारा सामान इकट्ठा करना भी एक गिल्टी ही होता है गौरव, क्योंकि हमें पता होता है कि हम अपनों को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाए, इसलिए उनको वस्तु देकर हम अपने आप की उस गिल्टी को, उस जो हमारी ग्लानी है उसको शांत करने का प्रयत्न करते हैं। तो अभी तो अवसर है, आप अपनों के साथ कितना रह सकते हो और कितना शांत रह सकते हो, इसके लिए आपको अंदर को शुद्ध करना होगा। अगर हमारा शरीर शुद्ध होगा तभी हमारा मन शुद्ध होगा, जब हमारा मन शुद्ध होगा तभी हमारा व्यवहार शुद्ध होगा। इसलिए ये बहुत अच्छा अवसर है साधना करने का। एक तो उपवास करना चाहिए गौरव, कम खाना चाहिए, क्योंकि शारीरिक श्रम नहीं हो रहा है, इसलिए तल तल के भोजन नहीं करना चाहिए, कम भोजन करना चाहिए, और इसलिए करना चाहिए कि जो भूखे हैं उनको भोजन मिले, और अपनी वाणी पे संयम करना चाहिए। बहुत बोलोगे तो प्रशंसा में बोलना चाहिए, नहीं तो पति पत्नी फिर चोंच लड़ाना प्रारंभ कर देंगे, हताशाएं प्रारंभ हो जाएंगी। और क्योंकि लोग तो सोचते हैं कि कई बार हम कहते हैं गौरव कि भाई तुम इतनी जल्दी सत्संग में क्यों आ गए, समय तो 5 बजे का था, तो कहते हैं कि दीदी माँ वो घर में है ना कलह कंठी, उससे मुक्ति पाने के लिए जल्दी सत्संग में आ गए। तो एक दूसरे को
जीना नहीं होता, एक दूसरे को जेलना होता है। जेलना तब होता है जब हम विवेकपूर्ण जीते नहीं है, और जिंदा रहने में और जीने में फर्क होता है गौरव। रोटी कपड़ा जिंदा रहने के लिए होता है, और जीने के लिए भाव और विचार चाहिए। तो अच्छे भावों अच्छे विचारों के साथ अपनों के साथ जी भर के जी लो, ये हमें कुदरत ने मौका दिया है। और यह भी बताया है कि अपनी सीमा में रहो, सीमा तोड़ोगे तो मैं इसी तरह घरों में कैद कर दूंगी, तुम्हारी बड़ी बड़ी वैज्ञानिक शोधें धरी की धरी रह जाएंगी। ये माटी का संसार है गौरव, खेल सके तो खेल। ये भगवान हमें कहते हैं कि जो ईश्वर चाहेंगे वही होगा, तुम्हारा विज्ञान सब हो जाएगा फेल। इसीलिए सीमा में रहिए, अपनी मर्यादा ना भूलें और औरों की मर्यादा के साथ छेड़खानी ना करें। ये आदमी को अच्छा सबक दिया है प्रकृति ने। दूसरी बात गौरव मैं ये कहना चाहती हूँ कि खान पान की पवित्रता ये मनुष्य की गारंटी होती है। सारी दुनिया कहती है कि मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए जीना है, मानवीय अधिकार, पर भारत के ऋषियों ने कहा था मानवीय अधिकारों के लिए नहीं, मानवीय कर्तव्यों के चिंतन में तुम्हें लगना चाहिए। और मानवीय कर्तव्य ये है कि पशु पक्षी जड़ जंगम जिसका सबने पूरा ध्यान रखा है, देश अवस्था ताल पात्र लख मानव कर्म विधान रचा है, ज्ञान भक्ति सत्कर्म समन्वित बहती जिसकी सुरसरी धारा, वही हमारा धर्म सनातन पावन हिंदू धर्म हमारा। वो हमें बताता है कि चींटी की जिंदगी की भी कीमत है, इसलिए सारे जानवरों को अपने स्वाद के लिए खा जाना और अपने पेट को कब्रस्तान बना लेना ये मनुष्य को शोभा नहीं देता। इसलिए सच्चा सुच्चा खाओ, पवित्र खाओ, पवित्र विचार करो, प्रकृति का रक्षण करो, माँ की छाती का दूध पियो पर माँ की छाती का लहू ना पियो, ये कुदरत हमें बता रही है और ये हमें समझना चाहिए। जी दीदी, मैं आपकी बातों से बहुत संबल मिल रहा है जो लोग अभी सुन रहे हैं। एक प्रश्न मेरा ये है, जो गरीब है, जो दैनिक मजदूर है, उसके लिए बड़ा संकट का वक्त आया है। देशवासियों से क्या कुछ कहना चाहेंगी, ये लोग परेशानी झेल रहे हैं। निश्चित रूप से गौरव वो सब परेशान होंगे, लेकिन जिन जो गरीबों ने बिल्डिंगें खड़ी की, इमारतें खड़ी की, कभी उन इमारतों के ऊपर दावा नहीं किया, वो बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर बनाते रहे लेकिन झुग्गी झोपड़ी में अपना छोटा सा चूल्हा जला के अपनी रोटी पका के अपने बच्चों का पेट पालते हैं। और आप ये भी देखो गौरव के बड़ी बड़ी कोठियों में और बड़े बड़े वैभवों में रहने वाले न खुल के गा पाते हैं न खुल के नाच पाते हैं, पर वो श्रमिक सारा दिन मेहनत करता है और रात को अपनी पत्नी और बच्चों के पास जाके जी भर के ढोलकी बजा के रात भर चेत गा सकता है, रात भर वो होली को और लोहड़ी को गुनगुना सकता है। शहर वासियों के पास सुनने की सामर्थ्य नहीं होती पर वो रात भर गा सकता है, क्योंकि वो मिट्टी का पुत्र है, मिट्टी से जुड़ा हुआ है। आज वो संकट में है तो फिर वैभवों में रहने वाले उसके प्रति उदासीन कैसे हो जाएंगे। इसलिए उनकी रोजी रोटी, उनकी खाने पीने की व्यवस्था की जिम्मेदारी उनको करनी है। और गौरव मैं आश्वस्त हूँ, भारतवासियों का दिल बहुत बड़ा है, आस पास कोई भूखा सो जाएगा ये हो नहीं पाएगा, इसलिए सारा भारत सेवा में लगा है, उन तक भी साधन पहुंचेंगे। मैं आपके माध्यम से MHVN के माध्यम से उन्हें निवेदन करना चाहती हूँ कि वो परदेसी ना समझे अपने को और अपने गाँव में जाने की जिद ना करें, जहाँ हैं वहीं रहें और उनके आसपास जो रह रहे हैं वो मनुष्य हैं, उनके पास दिल है, वो जरूर आपकी भूख और प्यास की चिंता करेंगे। और मैं देशवासियों से आह्वान करती हूँ कि वो अपनों को संभालें और अपने खून के रिश्तों तक ही सीमित नहीं होते, अपनी तो पूरी दुनिया है, इसलिए अपनों के साथ अपनेपन के साथ अपने कर्तव्य को निभाएं। दीदी माँ, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत सारी ऐसी बातें कही जिससे हौसला बढ़ा है, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके माध्यम से मैं अपनी बात को भारत को कह सकी, इसलिए आपको भी मैं धन्यवाद देती हूँ गौरव, बहुत 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 धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ वात्सल्य ग्राम से दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी, जिनको आप सुन रहे थे। उनका कहना है, देशवासियों से अपील है कि जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनकी मदद जरूर करें, बड़ा दिल दिखाएं, कोई भी आपके आसपास भूखा ना सोने पाए। यहां रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।